इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हमारी इंस्टाग्राम की जर्नी को। अभी तक अगर आपने इंस्टाग्राम पर अकाउंट नहीं बनाया है, दैट वुड बी रियली शॉकिंग। लेकिन अगर नहीं बनाया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो इस वीडियो में हम देखेंगे इंस्टाग्राम का प्रॉपर ओवरव्यू कि कौन सी चीज कहाँ है, किस चीज का क्या मतलब है इंस्टाग्राम का, क्योंकि जब हम एक बेसिक ओवरव्यू ले लेंगे उसी के बाद ही हम उस प्लेटफॉर्म पर एडवांस तरीके से काम कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूब टेक चैनल। सो ये हमारा कंप्लीट इंस्टाग्राम कोर्स है और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के कंप्लीट ओवरव्यू की। तो ये मैं डेस्कटॉप वाला वर्जन जो है वो आपको बता रही हूँ, बाकी इसके बाद में हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे मोबाइल पर इंस्टाग्राम की, ठीक है। सो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि सिर्फ डेस्कटॉप पर नहीं, हम मोबाइल पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं इंस्टाग्राम पर, जिसके लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा instagram.com पर। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पर लॉग इन है तो आपको इंस्टाग्राम पर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, नहीं तो आपको ये लॉग इन वाली इन्फॉर्मेशन दिखेगी, ठीक है। तो अभी हमारा अकाउंट जो है यहाँ पर हमने नहीं लॉग इन कर रखा, तो इसके लिए आपको यहाँ पर साइन अप ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। साइन अप ऑप्शन क्लिक करने के बाद में आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन है कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट बना हुआ है तो आप फेसबुक अकाउंट पर डायरेक्टली जो है अपना इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। बट क्योंकि मेरा इस डेस्कटॉप पर फेसबुक अकाउंट नहीं है तो मैं बिल्कुल जो स्क्रैच से है वो इंस्टाग्राम अकाउंट बनाऊंगी। तो उसके लिए आपको चाहिए एक मोबाइल नंबर या फिर एक ईमेल आईडी, देन यू नीड योर फुल नेम, देन आपको एक यूजर नेम लेना पड़ेगा और उसके बाद में हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से मैं अपना यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है, अपना मैंने फुल नेम डाल दिया है, लेकिन यूजर नेम यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं डाल सकती क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी। इंस्टाग्राम के पर ये चीज फिक्स है कि एक पर्सन ने जो यूजर नेम ले लिया है दूसरा पर्सन वो यूजर नेम नहीं ले सकता, यानी डुप्लीकेसी ऑफ यूजर नेम नहीं होगी, ठीक है। क्यों? उसका रीजन बहुत ही ऑब्वियस सा है कि आपका जो यूजर नेम है वो आपका प्रोफाइल का यूआरएल होता है, ठीक है। तो अगर मल्टीपल जो यूजर्स हैं उनके अगर सेम यूजर नेम होंगे तो मतलब मल्टीपल लिंक्स क्रिएट हो जाएंगे और कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी वेबसाइट ये नहीं चाहती है, ठीक है। तो इसलिए आपको यूजर नेम चूज करना होगा। अभी मैं यहाँ पर एक रैंडम यूजर नेम चूज कर रही हूँ, ठीक है। आप जो है अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको यहाँ पर क्या यूजर नेम रखना है। वैसे मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू चूज अ यूजर नेम, एक अच्छा यूजर नेम कैसे चूज करते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। सो अभी मैंने अपना नाम एंड इस तरीके से मैंने कुछ यूजर नेम ले लिया है, तो आप इसको देख सकते हैं कि अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आगे हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी हम एक पासवर्ड डाल देते हैं और हम करेंगे साइन। तो अभी ये आपसे आपकी बर्थ डेट पूछेगा, ये करने के बाद में हम आपसे ये कंफर्मेशन कोड पूछेगा जो कि आपकी ईमेल आईडी पर आया है, ठीक है। तो जल्दी से हम वो कोड डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने वेरीफाई किया, इसके बाद में एक बार मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करने के लिए मुझे बोला था, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अकाउंट बनाना बहुत ही आसान काम है, विद इन लाइक 1 मिनट हम अकाउंट जो है अपना क्रिएट कर सकते हैं और एक जीमेल आईडी पर आप काफी सारे अकाउंट बना सकते हैं। तो अभी हम बेसिक जो instagram.com है उसका ओवरव्यू ले रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे बोला कि ये कंप्लीट कोर्स है तो मैं यहाँ पर मेटा सुइट की भी बात करूंगी जिससे आप इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। एंड दैट इज वेरी गुड फॉर द बिजनेसेस, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर अकाउंट बन चुका है, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल पिक्चर आएगी जो कि अभी नहीं है, ये यहाँ पर आपका यूजर नेम आ रहा है, ये आपका यहाँ पर आपका प्रोफाइल नेम आ रहा है, या फिर हम कह सकते हो आपका इंस्टाग्राम जो नेम है वो आ रहा है। यहाँ पर आपके पोस्ट, आपके फॉलोवर्स, आपके फॉलोविंग्स आएंगे। तो अभी यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम सजेस्ट भी कर रहा है कि आपको आगे क्या करना है, लाइक अपने फेसबुक फ्रेंड्स को आप फाइंड करो, आप अपना फोन नंबर यहाँ पर ऐड कीजिए जिससे यू कैन रीसेट योर पासवर्ड एंड स्टार्ट एडिंग योर प्रोफाइल फोटो, ठीक है। तो अभी ये इसका एक ओवरव्यू लेंगे, लेकिन मैं दूसरे अकाउंट में लॉग इन कर रही हूँ जहाँ पर थोड़ा सा डेटा है, तो फिर हम उसका अच्छे से ओवरव्यू ले पाए। ओके, सो ये मैंने अकाउंट में यहाँ पर सिंपली लॉग इन कर लिया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा जो है डैशबोर्ड, आप इसे कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो ये हमारा होम पेज है जहां पर आपको जिन भी लोगों को आपने फॉलो किया हुआ है एज वेल एज जिन लोगों का कंटेंट आप रेगुलर देखते हो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। आई नो पहले ऐसा होता था कि जिनको हमने फॉलो किया हुआ है सिर्फ उनके जो रिसेंट पोस्ट होते थे वो हमें दिखते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी ट्रेंडिंग है
और ऐसा जो भी टॉपिक है, ऐसा जो भी कंटेंट है जिस जो आपके इंटरेस्ट का है, वो सब आपको यहाँ पर होम पेज में दिखता है, क्योंकि इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम इसी तरह से काम करती है। वैसे हम इसकी भी डिटेल में बात करेंगे कि जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो उसको ही आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जाए, ठीक है। तो कई बार ऐसे भी पोस्ट आपने देखे होंगे, हो सकता है जिनको आपने फॉलो नहीं भी किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके सारे पोस्ट आ गए। अभी हमारा होम सेक्शन है, होम सेक्शन में आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल पर जा सकते हो। उससे पहले हम देखते हैं ये एक्सप्लोर वाला ऑप्शन। इस एक्सप्लोर वाले ऑप्शन में जो भी आपके लिए ट्रेंडिंग चल रहा है, जो भी चीजें आप देखना चाहते हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। आपको रील्स के फॉर्मेट में, आपको पिक्चर्स के फॉर्मेट में, वीडियोज के फॉर्मेट में, ऑलमोस्ट सभी तरीके का कॉन्टेंट जो है यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और भी चीज बताती हूँ कि जिन लोगों को आपने फॉलो किया हुआ है या फिर आपके निश के जो सेम लोग हैं, वो जिस कंटेंट को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, मतलब जो उनके लिए जो काफी पॉपुलर कंटेंट है जिसको वो पसंद कर रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इसको आप एक प्लस पॉइंट की तरह ले सकते हो कि अगर आपका कंटेंट एक निश ऑफ द पीपल, एक ग्रुप अगर पसंद कर रहा है, तो उस ग्रुप के सभी लोगों तक ये एक्सप्लोर ऑप्शन में आपका कॉन्टेंट पहुंचेगा, ठीक है। सो इसकी भी हम बात करेंगे कि जो निश जो है कैसे आप सेलेक्ट करते हो, कैसे उसको टारगेट करते हो। तो ये आपका एक्सप्लोर वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो जैसे अगर आप कोई भी पिक्चर को या फिर कोई भी रील को सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। ये आपके इस चैनल का नाम है जिसने भी ये क्रिएट किया है, ये कुछ हैशटैग्स हैं, ये है इस पर्टिकुलर पिक्चर का जो टाइटल है या फिर कह सकते हो कैप्शन है इसका, ठीक है। इस इमेज को आप जो है सेव कर सकते हो, यहाँ से सेव आप करोगे तो ये आपके सेव्ड वाले ऑप्शन में जो है सेव हो जाएगा। यहाँ से आप जो है अपने ही डीएम में, यहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज के थ्रू, यानी अपने ही फॉलोवर्स को जिनको आपने फॉलो किया हुआ है उनको आप भेज सकते हो। यहाँ से आप इस पिक्चर पे कमेंट कर सकते हो, यहाँ पर इसे लाइक कर सकते हो, और इस अकाउंट को आप यहीं से ही फॉलो भी कर सकते हो। पहले ये यहाँ पर ही फॉलो बटन नहीं आता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से यहाँ पर फॉलो बटन आता है, ठीक है। तो ये सारा आपको एक्सप्लोर वाला सेक्शन हो गया। ये हैं आपके मैसेजेस, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको मैसेजेस का ऑप्शन है, और क्योंकि हमारा एक बिजनेस अकाउंट है तो इसलिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, वन इज प्राइमरी, वन इज जनरल, ठीक है। इसकी भी अपन डिटेल में बात करेंगे कि प्राइमरी जनरल क्या होता है, ठीक है। उसके साथ में आपको आप मिलते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन, जो भी आपने रिसेंट पोस्ट किए हैं या फिर किसी ने आपको टैग किया है, किसी ने आपके कॉमेंट को लाइक किया है, कोई भी एक्टिविटी हुई है, वो सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये ऐड का ऑप्शन आता है कि यहाँ से आप अपनी वीडियोस, अपनी फोटोज को जो है ऐड कर सकते हो। एंड उसके साथ में ये वाला ऑप्शन है आपकी प्रोफाइल का, यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर ये आपके पोस्ट आ रहे हैं, फॉलोवर्स आ रहे हैं, फॉलोइंग्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये है आपकी बायो, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कैसे लिखेंगे, क्या यहाँ पर आपको लिखना है, क्या कीवर्ड डालने हैं, वो सारी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ये आपके अभी करंट पोस्ट हैं, ये आपकी करंट रील्स हैं, जो भी आपने रील्स डाली हैं। यहाँ पर आपका ये सेव्ड ऑप्शन आ जाएगा। पहले ये सेव्ड ऑप्शन यहाँ नहीं आता था, पहले ये सेटिंग वाले ऑप्शन में आता था, बट अभी ये वो सेक्शन है जहां पर आपने पोस्ट जो है सेव किए हुए हैं। उसके अलावा जिन जिन लोगों ने आपको टैग किया है, वो ये टैग्ड वाले ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है। उसी के साथ ही मोर वाले सेक्शन में अगर आप जाओगे, तो यहाँ पर आपके लॉगआउट का ऑप्शन है, स्विच अकाउंट का ऑप्शन है, आप जो अलग अलग अकाउंट जो है वो स्विच भी कर सकते हो। उसी के साथ में जो भी आपने सेव करके रखा है वो भी अलग से यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एंड फिर आ जाती हैं आपकी सेटिंग्स। तो यहाँ से आप जो अपनी प्रोफाइल है उसको एडिट कर सकते हो, अपने नेम को, अपनी वेबसाइट को, अपने बायो को, अपने फोन नंबर को, मेल आईडी को, सबको आप चेंज कर सकते हो। उसी के साथ में आप यहाँ पर जो है अपना अकाउंट टाइप भी चेंज कर सकते हो, प्रोफेशनल अकाउंट है ये, तो इसको आप बिजनेस में कर सकते हो, पर्सनल में कर सकते हो, ठीक है। पासवर्ड चेंज कर सकते हो। उसके साथ में आप एप्स और वेबसाइट जो भी हैं, जो भी आपकी खुद की वेबसाइट है, खुद की एप्स हैं, उनको जो है आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से नोटिफिकेशन आप मेल्स के थ्रू रिसीव करना चाहते हो वो आप यहाँ से देख सकते हो। पुश नोटिफिकेशन आप कौन से चाहते हो वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अपने कॉन्टेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर आप अपने जो अपना जो अकाउंट है उसकी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रख सकते हो, उसको मेंटेन करके रख सकते हो। उसके अलावा एक ये नई सेटिंग जो है वो इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है, दैट इज सुपरविजन। सुपरविजन इज लाइक पेरेंटल कंट्रोल, कि आप कंट्रोल कर सकते हो दैट व्हाट योर टीम, व्हाट योर किड्स आर वॉचिंग, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। देन यहाँ पर आपकी लॉगिन एक्टिविटीज आ जाएंगी कि किसने आपके अकाउंट को कब लॉगिन किया है, किस डिवाइस से किया है, वो सारी चीजें, सो दैट आप अपनी सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर इंस्टाग्राम से कोई आपको मेल्स आए हैं, कोई आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है, कोई आपको कह सकते हो कहीं और आपका अकाउंट कहीं लॉगिन हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर ये ऑप्शन है जहां पर आप पर्सनल अकाउंट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है।
तो ये आपका बेसिक ओवरव्यू है। यहाँ पर आप देखोगे तो बिजनेस सुइट भी यहाँ पर है, तो उसको भी आप ओपन कर सकते हो, मेटा सुइट, और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ यू आर रनिंग अ प्रोफेशनल या फिर एक बिजनेस आप इंस्टाग्राम अकाउंट यूज कर रहे हो, तो मेटा सुइट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा एक बेसिक ओवरव्यू ऑफ इंस्टाग्राम। अभी इंस्टाग्राम पर हमें बहुत सारा काम करना है, हमें प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, पोस्ट ऑप्टिमाइज करनी है, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट बनाना है। सो डोंट मिस एनी ऑफ आर वीडियोस। पूरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सो मेक श्योर करो एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो कीप सपोर्टिंग अस, सब्सक्राइब कर देना जल्दी से, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।